अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये आज मैथ 8th क्लास में हम क्यूब रूट्स जो पढ़ रहे हैं उसी की एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो जैसे हमने 7.1 की थी वहाँ पे हमने क्यूब रूट निकाले थे कुछ ऐदाद के, जैसे पूछा गया था मैथ के अंदर। तो इसी तरह ये 7.2 का भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द स्क्वेयर रूट क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई प्राइम फैक्टोराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको क्या निकालना है जी, आपको इसके क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो क्यूब रूट्स मैंने आपको जैसे बताया कि एक अदद जो है वो 3 गुना हो जाता है, ठीक है, उसका जो पावर है वो 3 गुना बढ़ जाता है, तो उसको उस कैटेगरी में हम उसको क्यूब रूट की कैटेगरी में लाते हैं, उसकी ताकत जो है वो 3 गुना रेज हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया वो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी हमने एक्सरसाइज में किया है, तो ठीक इसी एक्सरसाइज में जिस तरह सिंपली इजी क्वेश्चन है, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पेज नंबर आपकी बुक 126 है और एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो 64, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, इसके टुकड़े बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टुकड़े। तो इस मेथड के जरिए हम 64 यहाँ पे लिखा, अब इसको हम हल करेंगे। अब इसके फैक्टर निकालने, 2 से ले जाओ, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चुके 8, ठीक, 2 2 4, तो 2 इकाई 2। अब इसको हम लिखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब इनकी 3 की 1 जोड़ी, यानी 3 क्यूब है ना, तो तीन तीन अदद को जोड़ के हम एक अदद लिखेंगे, इसकी भी 3 को जोड़ के 1 अदद लिखेंगे, बराबर बराबर आ गया, हमारे पास कोई अदद बचा नहीं। अगर बच जाता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो हमने देखना है कि 64 जो है ये कैसे बना, किस अदद को 3 गुना किया गया और ये 64 हमारे पास आ गया। तो उसके बाद हमें आ गया 2 into 2, ये 2 into 2 कितना हो गया, 4। तो हमारे पास कौन सा अदद निकल गया, 4। 4 के ऊपर क्यूब क्यूब डालेंगे हम, क्या डालेंगे, क्यूब, यानी 3 गुना इसकी ताकत बनाएंगे। तो हम जरा चेक करेंगे कि यहाँ 64 आता है, तो 4 के ऊपर क्यूब जब डाला तो 4 कितनी बार हो गया हमारे पास, 3 बार, 4 4 4, 4 चुके 16, 16 चुके 64 आता है, क्या आता है, 64। तो हमारे पास 4 क्यूब जो है वो 64 बनता है, तो 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 क्यूब। हो गया आपका पहला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, इसके लगभग 8 9 पार्ट हैं, ये आप घर में खुद ट्राई करेंगे, मैं एक और करा देता हूँ आपकी थोड़ी सहूलत के लिए, हो सकता है आपको समझ ना आई हो तो फिर दूसरे पार्ट में भी आप थोड़ा और हेल्प ले लें। ये बहुत इजी है, सिंपली आपको फैक्टर निकालने, मल्टीप्लाइकेशन आपको सिर्फ आगे वाले अदद को देखना है जो लास्ट पे इवन है या ऑड है, तो जो होगा उसी अदद से आपको मल्टीप्लाइकेशन लेनी है। तो हम एक और पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा लंबा सा पार्ट कर लेते हैं, ये है हमारे पास वन, ये पार्ट नंबर 5 है आपका, 15625। तो आप देख लीजिए लास्ट पे 5 है, तो आपको 5 ही से जाएगा ये, ठीक है, तो इसके यहाँ पे फैक्टर निकाल लो आप, 5 से ही निकालो, 5 3 15, ठीक, उसके बाद 5 इकाई 5, बच के 1 12, 5 2 10, बच के 2 25, 5 5 25, ठीक, फिर 5 से जाएंगे, 5 6 30, ठीक, उसके बाद आ गया 5 6 30, बच के 1 5 2 10 और 5 बजे 25, 625 आ गया, फिर 5 से जाएगा, अभी 5 है लास्ट पे, 5 इकाई 5, बच के 1 5 2 10, बच के 2 5 5 25, ठीक, फिर 5 से जाओ, 5 2 10, 2 बज के 25, 2 आगे जाके लगते हैं ये 25 बन जाता है, 5 5 25, फिर 5 5 25, हो गया। अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक आ रहे हैं हमारे पास, 5 into 5 5 3 4, 1 2 3 4 5, और एक और डालेंगे 6, ये भी 6 हैं और यहाँ पे भी 6।
अब तीन को एक सीरीज में ले लो, इनको भी इसकी जगह पे 1 5 इंटू इसकी जगह पे भी 1 5, 5 5 25, यानी 25 को हम 3 बार अगर करेंगे इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, आप कैलकुलेटर पे करो आपको 15625 ही आएगा। क्या आएगा? तो 25 जो है क्यूब है वो किसका, क्यूब रूट है 15625 का, यानी 15625 का जो है वो क्यूब जो है, क्यूब रूट जो है वो क्या है, 25 है। तो इस तरह आप अगले जो भी पार्ट हैं ये आप घर पे करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, इससे फिर ये अपलोड होने में दिक्कत आती है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सिंपल दिखा दिया बेसिक्स, इसके किस तरह निकाला जाता है इस पार्ट्स को। सिंपली आपको यही पार्ट इसी मेथड को फॉलो करके अपने घर में भी यही करना है। इसके 5 6 पार्ट रह गए, ये आप घर में करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर हम क्वेश्चन नंबर जो इसके आगे दिए गए हैं वो करेंगे। ओके, सलाम वालेकुम।